बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आपका दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक टापर पर। और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, कल मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, मैं बात किया था रिफ्रैक्शन के बारे में। मैंने बताया था बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया था। किसी कोई दिक्कत, मैंने रिफ्रैक्टिवनेस का एक फार्मूला बताया था न्यू बराबर सी वाई वी करके। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना बात करते हुए, कुछ ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हैं, क्लास को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी बातें होंगी मैं लास्ट बता दूंगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो, ठीक। चलिए, मैंने कल बताया था न्यू बराबर सी वाई वी ये फार्मूला बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल मीनिंग बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है। मैंने इससे बात किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है, या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है कितना गुना कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या कह रहा हूँ मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है, या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितने गुना कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये दो चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बताता है, जो कि इसके फिजिकल मीनिंग है। आज उसी पे मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटे से क्वेश्चन है बट एग्जाम में एक या दो नंबर पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन का मैंने लिखा हुआ है इस पर, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोग सामने, आप लोग मेरे सामने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद हम साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दिया गया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है बेटा? पूछा है हमसे क्या? हमसे क्वेश्चन पूछा है न्यू डब्ल्यू क्या होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वाटर में कितना आएगा। और हमसे क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये पूछा है हमसे, और पूछा है हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मैंने बताया था बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कल मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्या होता है, उसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम पूछा जाता है। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका लिखा है न्यू डब्ल्यू, मतलब क्या हुआ? अगर इसमें यहाँ कुछ ना लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब जैसे यहाँ तीसरे क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बट अगर कुछ ना लिखा जाए तो हम कुछ क्या समझेंगे कि वहाँ एयर है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही थोड़ी समस्या है यार, ऊपर चला जाता है तो पता ही नहीं लगता फिर। रुक जाइए बच्चे एक सेकंड। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्या दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक। तो हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी अपान स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम। यहाँ मीडियम क्या है बच्चे? यहाँ मीडियम वाटर है, तो क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू। यही तो फार्मूला कल बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो हमसे क्या पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो मैंने क्या फार्मूला लगाया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम, मतलब जो इसमें मीडियम है वाटर है, ठीक। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका। मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही बताने का था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हमें एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर मानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सी क्या हो? सी आप जानते हैं क्या होता है, 3 × 10⁸ अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम कितना दिया गया है, 2.25
इंटू 10^8। ठीक, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 + 24, 5 + 25, 5 + 36 कितना आ जाएगा, 5 + 9 = 45, 12 हो जाएगा, यहाँ से 3 × 9, 3 × 4 = 12, कितना आ जाएगा, शायद 1.33 आएगा। ठीक है, 1.33। ठीक, ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीडियम। अब इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूजी सॉल्व करना है, देखिए क्या सॉल्व करना है, न्यूजी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास, इसमें यहाँ ग्लास मीडियम है तो वी जी। अब सी की वैल्यू कितनी बेटा, 3 × 10^8 अपान वी जी, कितना यहाँ देख लीजिए, वी जी कितना था, 2 × 10^8, तो आप लिख दीजिए, ये देखिए 2 × 10^8, ये कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 1.5, तो ये क्या आ गया बेटा आपका, न्यू जी आ गया। ठीक, नोट करते रहिए, न्यू जी कितना आया बेटा, 1.5 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तीसरा क्या पूछा है बेटा, तीसरा पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम जब लिखते थे इस चीज पे ध्यान फोकस कीजिएगा, अगर हम पिछले वीडियो में बताया था, अगर 1 √2 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, √2/(1), तो इसी प्रकार यहाँ से देखिए बेटा, अगर मैं ये लिखा हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, √g/(√W) लिख सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखेंगे, कोई बताएगा, कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका 1 √2 है बेटा, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, √2/(√1) लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं क्या, √V1/(V2) लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, √λ1/(λ2) लिख सकते हैं। ये चीज़ कल मैंने अच्छे से डिराइव करके आपको बताया था, तो आप अगर √G/(√W) लिख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या है, √G आपका 1.5 आया है और √W कितना आया था, 1.3 आया है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, अब 15/13 का डिवाइड कर देख लेंगे, अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ फार्मूला क्या लगा सकते हैं, √V/(VG), ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, और आपका √W भी दिया गया है और वी ग्लास भी दिया गया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर भी दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत बेटा, यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वाकई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मैंने अच्छे से फार्मूला को डिराइव किया, इसके बाद मैंने क्या बताया कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, देखिए आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको केवल पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप ऐसी फिजिक्स पढ़ेंगे ना आपको घर पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केवल आप लोग क्या करना है, आप लोग को कोऑपरेट करना है और डेली लगे रहना है मेरे साथ। ठीक है, चलिए आज हमें जो बात करना है, हमारा टॉपिक क्या है बेटा, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम पढ़ते हैं इसमें, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे भी, स्नेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए बच्चे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग लगाओ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए पहला ला लिखिए, लिखिए बच्चे ध्यान से, देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने कल पहले आप ला समझ आई क्या है, मैं समझा देता हूँ, देखिए पहला ला यह कहता है कि जो आपका इंसिड मैंने कल बताया था कि कोई अगर इंटरफेस है, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो पहला ला यही कहता है जो इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहने क्या ऐसा है बेटा, यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है इंटरफेस से एक रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, तो ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गई, ये आपका रेरर है बेटा, मैंने कल ये सब बहुत अच्छे से बताया था, रेरर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, आप पिछला वीडियो देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक,
रेयर टेंसर मैंने बताया था कि अगर यहाँ से कोई रिया फ्लाइट आती है तो नॉर्मल तरफ झुक जाती है, अगर रेयर से टेंसर में जाएगी, अगर टेंसर में रेयर में जाएगी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। आप यहाँ देखिए बेटा, ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, इंसिडेंट रे, ये वाली रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये हमेशा क्या है एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ इंसिडेंट करते हैं इस पॉइंट के एक प्लेन में लाई करते हैं, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई, मतलब तीनों रेखाएं लाई करती हैं, मतलब एक ही जगह पर रहती हैं, एक प्लेन में एक ही स्थान पर वो लाई करती हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको बेटा, इसको लिख लीजिए मेरे साथ, इंसिडेंट रे पहला लाई यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट की हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल, ऑल मीन्स क्या, ऑल मीन्स इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये हमने लाभ रिफ्लेक्शन में ऐसा ही पढ़ा था, कुछ आपको याद हो रहा होगा पहला चैप्टर, पहला जो लेक्चर मेरा था लाभ रिफ्लेक्शन में, इसमें मैंने यही चीज़ पढ़ी थी। ठीक, वहाँ रिफ्लेक्टेड है बट यहाँ रिफ्रैक्शन है, क्लियर है। रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में कभी वो डिफरेंस पूछता है, मतलब वाइबे में पूछ लेते हैं आप लोग के प्रैक्टिकल में, वाइबे होता होता है प्रैक्टिकल में, तो पूछता है बेटा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें केवल एक ही मीडियम, मीन्स डैट वो एक ही उसी मीडियम में वापस चली जाती है, बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, आप उसको दोनों को पढ़ेंगे तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वाकई में क्या रिफ्लेक्शन है क्या रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत फोकस रहेगा, इसमें बहुत ही न्यूमेरिकल आएगा, मैं भी एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व भी कराऊंगा। चलिए लिखिए, स्नेल, इसको कहते हैं बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कहते हैं स्नेल्स लॉ, लिख लीजिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ भी लिख लीजिए इसको, स्नेल्स लॉ, क्योंकि एक स्नेल नाम के वैज्ञानिक थे कोई, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्नेल्स। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से बताऊंगा, याद हो जाएगा आपको, यहीं पे घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपका कोई ये एक इंटरफेस से रे या फ्लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ पे इंसिडेंस हुई, ये आपका नॉर्मल, ये बेंड हो गई। ठीक, अब यहाँ कुछ रिफ्रैक्टिव रे न्यू वन है, यहाँ न्यू टू है, ठीक है, ये आई ये आर, देखिए रिफ्रैक्टिव मतलब कि ये बता रहे क्या, स्नेल साहब ने क्या किया, स्नेल साहब ने रिलेशन बनाया किसके बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच और जो आपका ये एंगल है इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके बीच रिलेशन बैठाने की कोशिश की, उन्होंने काफ़ी कुछ रिलेशन बताया, मैंने बहुत सारे रिलेशन बताया कि टैन लगा के कॉट लगा के या कुछ भी करके इसको प्लस करके न्यू प्लस आई प्लस न्यू टू माइनस आई कुछ करके बहुत सारे रिलेशन को, देखिए जब भी किसी भी चीज़ को कोई वैज्ञानिक लाता है तो उससे बहुत ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको सामने स्नेल सामने उनको पता चल गया कि साइन आई बराबर साइन आर बराबर न्यू, ऐसे नहीं होता बेटा। किसी भी चीज़ को फिजिक्स में कोई भी चीज़ अगर सिद्ध हुई है उसके लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होता तब तक किसी चीज़ का प्रूफ नहीं आता, तो स्नेल साहब ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच एक रिलेशन डेवलप करने के लिए, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए स्नेल साहब ने तो उनको बाद में जाके पता चला ये मतलब कि जो रिलेशन उनको प्राप्त हुआ साइन आई अपान साइन आर बराबर न्यू न्यू टू वन या ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताता हूँ उसका क्या मतलब है, ये रिलेशन उनको जाके मिला कि ये रिलेशन फिट बैठता है किसके रिलेशन के बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिलेशन उनको सिर्फ अगर आप इस पर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा ये बराबर आएगा, ये जाकर उनको मिला बाद में बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद। ठीक है, इसको कैसे एग्जाम में लिखेंगे बेटा, देखिए चीज़ों को समझना अलग बात है बट वी हैव टू पुट दिस थिंग्स इन द एग्जाम, हमको उसको एग्जाम लिखना है तो मैं उसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे लिखिए, स्नेल्स लॉ लगा के लिख लीजिए, स्नेल्स लॉ, देखिए मैं क्या है साइन आई अपान साइन आर, मैंने क्या लिखा साइन आई अपान साइन आर वन न्यू टू, ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे,
ये हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा, साइन आई अपान साइन आर हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, कांस्टेंट ये रिफ्रेक्टिवनेस के बराबर है। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको, देखिए वर्ड में लिखी इसको द रेशियो, आप देखो जो मैं ये लिखा हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में इसी को मैं वर्ड में लिखने जा रहा हूँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरे साथ बेटा लिखते रहिए, कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछते रहिए, मैं बार बार कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है, क्योंकि इस रूल का हम आगे जितने भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे भी रिफ्रैक्शन में TIR पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, तो स्नेल्स लॉ आपका जरूर यूज होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मैं जो चीज़ कर दूँ उसको वाकई में आप फोकस की करिए। मैं कह रहा था कि आप साइन कन्वेंशन पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार यूज आएगा, इसलिए मैं इसको फिर से आप लोग कह रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आगे जितने एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो इसमें इसका यूज आएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और बार बार पढ़िए। ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। ठीक है, चलिए लिखिए मेरे साथ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, ये INCIDENCE है बेटा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी राइटिंग खराब है आई नो, बट जो चीज़ ना समझ आए पूछ लिया करिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन ऑफ, साइन में क्या करो बेटा, साइन यही ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ देखिए एक बार समझ लीजिए आप, जैसे ये आपका इंटरफेस है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये आपका नॉर्मल है बेटा, रे ऑफ लाइट यहाँ नॉर्मल की तरह बेंड हो गई, ये आपका आई, ये आपका आर, ठीक, ये आपका न्यू वन, ये न्यू टू। मैं ऐसे बता दूंगा ना बेटा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर आपको ये नहीं याद करना है कि साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट बराबर वन न्यू टू, ये याद नहीं करना है यार। अभी ऐसा बता दूंगा कि आपको हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आएगा आप बिना सोचे समझे लगा देंगे, केवल सुनते रहिए बस, केवल आप इतना याद कर लीजिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका साइन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब जो दो मीडियम है, दो ही मीडियम है, एक मीडियम ये है जिसका रिफ्रेक्शन न्यू वन है और दूसरा मीडियम है जिसका है न्यू टू है, जो आपका कांस्टेंट आता है ये आता है वन न्यू टू, मतलब क्या वन न्यू टू क्या मतलब है, कल मैंने बताया था बेटा चिल्ला चिल्ला कर, वन न्यू टू का मतलब होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये आपके बताता है। ठीक है, वन न्यू टू को क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कई कई बुकों में ऐसे भी लिखा जाता है, अब ऐसे आपको दिख जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसका भी मतलब क्या है, जो पहले दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेरिजन में, सेकंड वाले के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्लियर है। चलिए यहाँ सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ कि स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, आप कुछ ना करिए, आपको कभी भी आ जाए तो आप ऐसे लिखिए, देखिए ये ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर न्यू वन है, न्यू वन लिखिए, ठीक, इसके साथ क्या है आई है तो साइन आई लगा दीजिए, साइन आई लगा दीजिए, बराबर क्या है, नीचे क्या है, बराबर न्यू टू है, इसके साथ क्या है आर है, साइन आर लगा दीजिए। ठीक है, बस यही करना है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई जब ये साइन आर इधर जाएगा, साइन आर अपान बराबर न्यू टू अपान न्यू वन। देखिए मैं इसको एक पेज फिर से बता दे रहा हूँ, खिचड़ी हो गया होगा यहाँ पे, ध्यान सुनिए कैसे याद करना है। ये आपका एक इंटरफेस है, यहाँ रे ऑफ लाइट आ रही बेटा, ध्यान सुनिए, ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक, ये आपका एंगल आई है,
आपका एंगल आर है, ठीक है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का क्या है, न्यू वन है, न्यू टू है। अब आपको जब भी स्नेसला लगाना हो, जैसे स्नेसला कहीं यूज करना हो, मैंने जो उसका जो हमें ला को लिखना था मैंने लिख के बता दिया, एग्जाम में तो आप उसे लिख के वो फार्मूला लिख दीजिएगा साइन अपन साइन आर बराबर वन यू टू, मैंने उसको पीछे बताया। अब इसको कैसे यूज करना है एग्जाम में आ जाए तो स्नेसला को याद ना करना पड़े, कैसे हमको यूज करना है। अब वैसे भी देखिए यूज कर सकते हैं आसानी से, देखिए स्नेसला यूज करना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए मीडियम फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे न्यू वन है। अरे इतना तो पता है बेटा, स्नेसला क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेसला यही तो बताता है। तो इतना तो दिमाग होगा कि हमें न्यू लेना है तो न्यू ले लिए, इसके साथ क्या है एंगल आई है तो साइन लगा दीजिए साइन आई बराबर। सेकंड मीडियम देखिए क्या है, न्यू टू है, यहाँ न्यू टू लिख दीजिए, इसके साथ एंगल कौन है आर है साइन आर लगा दीजिए, बस यही करना है। ये वही चीज है जो मैं फार्मूला बताया हूँ, साइन आई बराबर साइन आर इज इक्वल टू न्यू टू पर न्यू वन, वही चीज है बेटा। मैं आपको याद करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको याद ना आए तो हमेशा देख लीजिए कि फर्स्ट मीडियम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ कौन सा एंगल है, सेकंड मीडियम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ कौन सा एंगल है। क्लियर हुआ बच्चे, मुझे नहीं लगता इतने आसान शब्दों में इतने आसान लैंग्वेज में कोई आपको बताएगा। सबको क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो हमें बता दीजिए, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो हमें बता दें, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर न्यू टू अपान न्यू वन, न्यू टू अपान न्यू वन क्या लिख सकते हैं वन न्यू टू, और ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, यही तो मैंने बताया स्नेसला बेटा। हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। सबको क्लियर है बड़ा, सबको क्लियर है। चलिए इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमारे साथ आप लोग नोट करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक या दो नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए लिखिए क्वेश्चन को, नोट करते रहिए मेरे साथ। मैंने अभी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन पे आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराया है, एक दिन उसके लिए एक अलग वीडियो, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए एक दिन मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं उस पर मैं सब सॉल्व करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल उसके पढ़ते जाइए, केवल आप मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको केवल मुझे फॉलो करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे न्यू दिया है वन, न्यू वन यहाँ पे वन है, और यहाँ पे न्यू टू क्या है आपका अंडर रूट थ्री है, ठीक। अब पूछा है क्या बेटा, पूछा आपसे क्या है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। मैं केवल आपको इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको स्नेसला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब भी आपको स्नेसला का आगे यूज़ करना हो तो आप आसानी से यूज़ कर पाएँ, और बाई चांस न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ सकता है एक नंबर में, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या कभी कभी जब वाइवा होता है आप लोग का प्रैक्टिकल होता है उसमें दे देते हैं कॉपी लिखी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नोट करते रहिए, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिखिए फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप इसमें क्या करेंगे, स्नेसला लगाएंगे, लिखिए सोल्यूशन लिख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग स्नेसला, यूजिंग स्नेसला ऑफ रिफ्रैक्शन, यूजिंग स्नेसला ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने क्या बताया था आपको, फार्मूला नहीं लिखना है साइन आई अपन साइन आर, तो ठीक है मान लीजिए किसी बच्चों को नहीं पता है, मैंने क्या बताया, पहले आप पहले मीडियम में जाइए, वहाँ देखिए क्या है न्यू वन, अब आई क्या है 60 डिग्री है, तो क्या लिखिए साइन 60 लिखिए, ठीक है बेटा। इसके बाद आप सेकंड मीडियम में जाइए, क्या लिखिए न्यू टू लिखिए,
इसके साथ आर क्या है, आर नहीं दिया गया है, साइन आर लिख दीजिए। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करेंगे, कभी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने क्या कहा बेटा, आप पहले मीडियम में जाइए, वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए न्यून है, इसके साथ एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो साइन के साथ 60 लगा दीजिए। बराबर करने के बाद दूसरे मीडियम में जाइए, यहाँ न्यू टू है, न्यू टू लिखिए, फिर आर है, साइन आर लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ न्यून की वैल्यू कितनी है, 1 है बेटा, 1 है। साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 होता है। ठीक, न्यू टू कितना है बेटा, न्यू टू अंडर रूट 3 है, साइन आर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको ये रूट थ्री कट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर 1/2। और आप जानते हैं साइन आर 1/2 क्या वैल्यू देती है, साइन 30 डिग्री, तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री आ जाएगा। इतना आसान सवाल है, कभी दो नंबर में पूछ लेता है कि बताइए व्हाट इज स्नेल्स लॉ, एंड ये क्वेश्चन दे देगा साथ में, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, और इसके साथ ये क्वेश्चन लगा देगा, दे दिएगा 4 नंबर में। अब आपको अच्छे से पता होगा स्नेल्स लॉ क्या होता है, मैंने बता दिया स्नेल्स लॉ क्या होता है, फिक्स समझिए, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आज के वीडियो में, जो बता रहा हूं ना बेटा, 5 नंबर में आपका इस टाइप का एक न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, एक न्यूमेरिकल 5 नंबर, एक न्यूमेरिकल और स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ के साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ का ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और इसी टाइप क्वेश्चन बनेंगे, और कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं बात करूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो हमें बता दें, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें बेटे, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खड़े लगाइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा देखिए बात करता हूँ। रिलेशन अभी मैं जो बताऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नोट कीजिए बेटा, रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खड़े लगाइए रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। इस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है जो बताने जा रहा हूँ, ये आपका एक इंटरफेस, यहाँ से रिया फ्लाइट आई, ये यहाँ पे बेंड हो गई, ठीक, ये आपका है मान लीजिए ईएम एंगल है, ये ईएन एंगल है, यहाँ से रिया फ्लाइट इस मीडियम में आ रही है, ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए, कोई दिक्कत हो हमें बताते रहिएगा, ठीक है। ये आपका मीडियम 1 है, न्यू 1 मान लीजिए, न्यू 2 है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, ठीक है। अब यहाँ स्नेस लगाइए क्या हो जाएगा, आप यहाँ स्नेस लगाइए क्या आ जाएगा, साइन एम अपान साइन एन बराबर 1 न्यू 2। हमेशा उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है जिस मीडियम में आप जा रहे हो, आप रेरर से डेंसर में जा रहे हैं तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव निकलेगा, तो इसलिए मैंने कहा 1 न्यू 2। इसका क्या मतलब बेटे, मैं बार बता रहा हूँ, 1 न्यू 2 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप देखिए साइन एम अपन साइन एन है, ठीक है, ये आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का क्या मतलब है, ये आपका इंटरफेस हुआ, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का हम रे अपलाइट को यहाँ से पास कराते हैं और ये इधर जा रही है, मतलब कि वही मीडियम है, ये न्यू वन है आपका, ये न्यू टू है, सब वही है, केवल हमने क्या किया है कि रे अपलाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक। तो यहाँ क्या बन जाएगा, रिवर्स कर देंगे, ये एम है बेटा आपका, ये एन है, देखिए यहाँ आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आफ्टर रिवर्सिंग ऑफ लाइट, मैं रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ किसके बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच, आफ्टर रिवर्स द लाइट, आफ्टर रिवर्स द लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस बार एम है, एन है, इस बार कहाँ जा रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो मैंने बताया था इस मीडियम जा रहा है, तो मतलब साइन एन अपान किस मीडियम में, इस मीडियम में,
अपान साइन एम इज इक्वल टू क्या है? मैंने बताया कि जिस मीडियम में जाएगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इस मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, टू न्यू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। क्लियर हुआ यहां तक? मैं क्या कहा, पहले रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही थी, तो मैंने यहां क्या लगा दिया, स्नेस लगा दिया। इस बार क्या है, आपकी रे ऑफ लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो यहां स्नेस लॉ क्या लगेगा, साइन एन अपॉन, ये एन है बेटा, ये एंगल एन है, साइन एन अपॉन साइन एम, ठीक, साइन एन। अब देखिए आपको अगर न समझ पा रहा हूं, मैंने क्या बताया था, यहां स्नेस लॉ लगाएंगे, इसी के इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बराबर दिखाएंगे, जब निकालेंगे तो यही चीज आएगा आपका। अब क्या करिए बेटे, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, रब ना करिए, आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चलिए यहाँ तक क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन एम अपान साइन एन इंटू साइन एन अपान साइन एम बराबर कितना आ जाएगा, वन न्यू टू इंटू टू न्यू वन, ये बेटा कट जाएगा, देख लीजिए यहाँ से कट जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए क्या आ जाएगा, वन न्यू टू इंटू टू न्यू वन बराबर वन, क्या हो गया बेटा यहाँ से, वन न्यू टू इज इक्वल टू वन बाई टू न्यू वन, ये आपका रिलेशन आ गया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। यहाँ देख सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब उसका उल्टा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। क्लियर हो बच्चों, किसी कोई दिक्कत? चलिए मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ छोटा सा, आप समझ जाएंगे। ये रिलेशन नोट कर लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल ये चीज आपको जानना है। मैंने डिराइव करके बता दिए कैसे क्या होता है, केवल आपको ये चीज नोट रखना है, क्योंकि इस चीज का भी हम आगे डिराइव करेंगे तो यूज आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे आपको दे दिया गया क्या, न्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ डब्ल्यू विद रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपका दे दिया वन बाई टू, ठीक है। आपसे पूछ लीजिएगा बेटा बताइए रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है, आप कुछ बच्चे सोचने लगेंगे, कौन सोचेगा जिसको ये डेरिवेशन है पता हो कि वो रेसिप्रोकल होता है, तो आपको पता है, मैंने बताया है कि रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर वन बाई टू है तो रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो उसका रेसिप्रोकल है क्या हो जाएगा, टू बाई वन, मतलब टू हो जाएगा। आप आसानी से बिना सोचे समझे बता सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि वन न्यू टू मतलब कि रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो हमें बता दीजिए, अदरवाइज आज हम यही रखते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम यही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको इसी उत्साह के साथ। और एक बार बता दूं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्यार दीजिए अपना, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।